सो हे गाइस, तो की हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन और भी आज भी मैं सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सभी के सभी। आई होप कि तुम सब बढ़िया होने वाले हो। एंड आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले एक सर्वाइवल सीरीज, सोलो सर्वाइवल सीरीज। एंड अभी हम आ चुके अपने एक प्यारे प्यारे से वर्ल्ड में। एंड इसको देखने के लिए तुम सभी ने वोट किया था मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर, इसीलिए ये अब सर्वाइवल सीरीज चलेगा। तो सबसे पहले चलो हम फटाफट से जो है यहाँ पे वुड की वुड खोज लेते हैं, मतलब वुड हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होंगे। बट उससे पहले यार शीप मिल गई, तो चलो फटाफट से हम शीप को मार लेते हैं, जिससे कि हमें वुल मिलेगा, क्योंकि यार हमें बेड भी बनाना है तो हमें वुल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं भाई हम किस डायरेक्शन में चले, इधर ही चलते हैं नीचे के साइड। और भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मैं जा रहा हूँ, मतलब तेज़ी से जा नहीं रहा, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है। बाकी हम फटाफट चलते हैं नीचे के साइड। एंड ये रहा, मेरे को पेड़ मिल गया, चलो फटाफट से इससे वुड तोड़ते हैं। एंड वुड तोड़ने के बाद जो हम इससे टूल्स बनाएंगे, तो लेट्स सी कितने देर में हम ये वुड तोड़ लेते हैं। One eternity later. तो यहाँ पर यार ये मेरे पास अभी फिलहाल 8 है और यहाँ पे 9, 10, 11 वुड ऑलमोस्ट हो चुका है, इससे मेरे को टूल्स बनाने के लिए काफ़ी है। पूरा पेड़ मैंने जो है खाली कर दिया है। अभी हम चलते हैं फटाफट से जो है क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। एंड ओ मैं गिरा। ओके ठीक है, सामने के साइड हमें कोल भी दिख रहा है, तो चलो उसी साइड चलते हैं। देखो यहाँ पे कोल्स है, तो चलो इसको भी माइन कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है जो कि। तो सबसे पहले जो हम क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग्स बना लेते हैं फटाफट से, एंड लॉग के साथ स्टिक भी बना लेते हैं। एंड यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। ओके यहाँ पे थोड़े और स्टिक्स बना लेते हैं एंड थोड़े से और लॉग्स बना लेते हैं। तो चलो आप फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लॉग्स बना लिए हैं, वुड लॉग्स कह रहा हूँ मैं, वुड बना लिया एक्चुअली, लॉग से वुड बना ली कर कह रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर मेरे को अचीवमेंट्स भी मिले, तो तुम समझ सकते हो कि यार जो वर्ल्ड है वो पूरा सर्वाइवल है, फुल सर्वाइवल, नो चीट्स यहाँ पर तुम देख सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैं थोड़े बहुत टूल्स बना लिया हूँ वुड के फिलहाल के लिए, जो कि मेरे को देंगे काम। एंड अभी जो है फटाफट से हम इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं। एंड क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ने के बाद जो है हम यहाँ पे कोल को जो है वो यहाँ पे तोड़ लेते हैं, जिससे कि हमें कोल मिल जाएगा काफ़ी सारा। एंड कोल्स मिलेंगे तो हम उससे टॉर्चेस बना सकते हैं, जो कि हमें रात में काम आएंगे, रात में सर्वाइव करने के लिए, मतलब दिखना चाहिए ना इधर उधर, तो इसलिए काम आएंगे। तो चलो यहाँ पे थोड़े से स्टोन्स भी तोड़ लेते हैं, स्टोन्स भी तोड़ेंगे। एंड स्टोन तोड़ने के बाद जो है, जैसे कि हम स्टोन के टूल्स बना सके, अपने टूल्स को जो है वो अपग्रेड कर सके। एंड गाइस तुम लोग जो है ना लाइक कर देना, एंड मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए सर्वाइवल सीरीज़ में, क्योंकि देखो मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं जो है मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं कैसे सर्वाइवल सीरीज़ बनाते। बाकी तो मेरे को कमेंट में बताना मेरे को नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो वही मैं ट्राई करूँगा वही चीज़ करने का। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे, देखो मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो कोल्स हो गए। एंड मैं स्टोन्स भी जो है वो काफ़ी सारे तोड़ रहा हूँ, कॉबल स्टोन्स। एंड मेरे को एक के बाद एक जो है एडवांसमेंट मिलती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अचीवमेंट, एक्चुअली एडवांसमेंट नहीं, अचीवमेंट। तो यहाँ पर अब बात करते हैं भाई स्टोन्स कितने सारे मेरे पास हुए, शायद से इनफ हो गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डर्ट है, ऊपर भी कोल है, तो चलो फटाफट से हम पहले कोल को तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके यहाँ पर थोड़े से और स्टोन्स हम तोड़ेंगे। एंड ओके मेरे पास ऑलमोस्ट आई होप काफ़ी सारे स्टोन्स हो गए हैं। एंड साथ ही साथ अब देखते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं, एंड जो हम स्टोन्स का टूल बना लेते हैं। वैसे मैंने तोड़ा क्यों था वो नहीं पता मेरे को। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है मेरे पास स्टोन्स के लिए टूल्स, स्टोन के टूल्स हम बना लिए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। अभी यहाँ पे थोड़ा और स्टिक बनाते हैं, स्टिक बनाने के बाद यहाँ पे चलो एक पिकैक्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम दो पिकैक्स बना लेते हैं, काम देगा। एंड एक्स बना लेते हैं, हो ही बना लेते हैं। एंड टॉर्चेस बना लेते हैं, जो कि हमें रात को काम देगा। एंड थोड़े से ना कोल्स बचा के हम रखते हैं, जिससे कि जो है हमें अगर फूड मिलता है कुछ, तो फर्नेंस में डाल के हम जो है उसको कुक कर सके। बाकी बात करते हैं अभी यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते हैं। एंड हम सामने के साइड जाते हैं, कोई अच्छी सी लोकेशन खोजते हैं जहाँ पर जो हम रह सकें, जहाँ पर जो हम अपना घर वर बसा सकें, ठीक है। तो लेट्स सी कहाँ मिलता है वो लोकेशन। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सामने के साइड जो है यहाँ पर भी एक पेड़ है, एंड ये वाली लोकेशन सही भी लग रहा है। एक बार ऊपर देखते हो, ओके पर शीप है, तो चलो फटाफट पहले शीप को मारते हैं। एंड हमें वुल चाहिए, क्योंकि यार हमें बेड बनाना है। ओके दो वुल हमारे पास हो चुके हैं, ब्लैक है यार, ब्लैक नहीं वाइट वाली शीप चाहिए। अरे बाप रे मेरा निशाना। ओके ठीक है, एंड एक वाइट शीप वो रही सामने दूर पे, चलो फटाफट से हम उसको भी मार लेते हैं, जिससे कि यार हमें यहाँ पे 3 जो है वुल मिल जाए, जिससे कि हम एक बेड को क्रिएट कर सकें एंड रात में जो है सो सकें। वरना यार नाइट स्किप करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब इजी रहता है, मतलब नाइट सर्वाइव करना भाई बहुत मुश्किल का काम है। फिलहाल तो न्यू हूँ ना सर्वाइवल, इसलिए। एंड अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं इसी जगह पर, एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना बेड फटाफट से। तो लेट्स गो। ओके यहाँ पे मेरा बेड बन चुका है, उसको भी हम जो हम यहीं पे रख देते हैं। एंड ये वाली जगह देखो अच्छी भी लग रही है, सही लग रही है दूर दूर तक। सामने पहाड़ है और यहाँ पे सीड भी है, नीचे के साथ पानी है। तो चलो यहीं पे अपना बेड लगाते हैं। बेड लगा के यहाँ पे स्पॉन पॉइंट सेट कर लिया है मैंने, जो कि बहुत सही चीज़ है। अब हम मरेंगे तो यही। अच्छा हाँ, मेरा तो जो है क्रीप इन्वेंटरी भी ऑफ है,
मैं भूल गया था। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट से जो है एक यहाँ पर पहले टॉर्च लगा देते हैं, अगर दूर जाऊँगा तो लोकेशन याद रहेगी एटलीस्ट अगर शाम वाम होता है तो। एंड चलो एक फटाफट से हम एक चेस्ट बना लेते हैं जिसमें कि हम अपना सामान रख के जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ अगर मैं एक साथ लेके घूमूंगा ना तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। तो इसीलिए सारे के सारे सामान को हम यहाँ पर रख देते हैं जो भी है यहाँ पर, तो फटाफट से रखते हैं। एंड आई होप कि मैंने बहुत सारे सामान यहाँ रख दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो सामान रख दिए इस चेस्ट में। अब मेरे पास कुछ ये सामान है मेरी इन्वेंट्री में, जिसमें कि एक पिकैक्स है। एंड मैं सोच रहा हूँ एक पिकैक्स को मेरे पास ये वुड भी रख के जाते हैं, एक्चुअली थोड़े टॉर्चेस भी रख देते हैं, अगर मैं मर गया तो दिक्कत होगा। एंड अभी हम एक काम करते हैं, फटाफट से थोड़े से और वुड काट लेते हैं। वुड इसलिए काटेंगे क्योंकि जो हमें है घर भी बनाना है, एक शेल्टर टाइप का भी के लिए फिलहाल बनाएंगे छोटा सा, जिसमें कि हम रह सकें, मतलब ज़ॉम्बी से एटलीस्ट बच सके रात के टाइम पे अगर मुझे सर्वाइव करना हुआ तो। फिलहाल उसके लिए मैं थोड़ा सा वुड यहाँ पे तोड़ लेता हूँ फटाफट से। One eternity later. So, ये लास्ट वाला पेड़ भी हम तोड़ लेते हैं, ये अकेशिया वाला, जिससे कि थोड़ा सा हम अच्छा सा बना सकें। यहाँ पर मुझे सीड मिला तो चलो फटाफट से यार सीड भी ले लेते, क्योंकि यार हमें एक फार्म की भी जरूरत है छोटा सा, जिसमें कि यार हमारा फूड ग्रो हो जाए। एंड अभी फार्म बनाने के लिए देखो मेरे पास आयरन तो है नहीं मेरी इन्वेंट्री में, एंड ये एक दिक्कत करेगा कि आयरन नहीं है तो हम वाटर कैसे लाएंगे। काम करते हैं हम अपने जो ये लेक के साइड में, मतलब लेक नहीं ओशियन कह सकते हो, जो भी है ये बड़ा सा पानी का समुद्र कह सकते हो, तो उसके साइड में ही जो हम अपना सीड प्लांट करेंगे। तो चलो आप इससे फटाफट से हम जो है सीड्स को तोड़ लेते हैं, जिससे कि मेरे को आसानी हो सीड मिल, मतलब ये इसको तोड़ रहा हूँ मैं, ग्रास को तोड़ रहा हूँ, जिससे कि मेरे को सीड मिल जाए। एंड मैं पता नहीं इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहा हूँ, मतलब बोलने में अटक रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एंड मेरे को ज़रूर से कमेंट में बताना कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में मतलब क्या क्या मैं करूँ, क्या क्या मुझे करना चाहिए स्टार्टिंग में, तो तुम मुझे ये बता देना, ठीक है। एंड अभी जो है मेरे पास आई होप कि अच्छा खासा सीड्स हो जाएंगे। एंड इधर भी थोड़े से ग्रासेस है, इसको भी हम जो है फटाफट से तोड़ लेते हैं। ओके, इधर भी मेरे को कुछ सीड्स मिल गए, एंड इसको भी तोड़ लेते हैं। ओके, इधर भी है। एंड यार ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सीड्स है। एंड यार दोपहर भी हो रही है, मतलब दोपहर देख सकते हो, दोपहर हो रही है, तो चलो फटाफट से अभी इन सीड को लगाते हैं। बट लगाएंगे कहीं, काम करते हैं हम एक नीचे के साइड चलते हैं, एक काम कर सकते हैं हम, मेरा ये लोकेशन है तो एक काम करते हैं इसके नीचे ही चलते हैं। यहीं पर जो हम थोड़ा सा एरिया को क्लीन करके यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है सीड्स लगाएंगे अपना। मैं 60 सेंस यूज़ करने जा रहा हूँ, 69 सेंस एक्चुअली मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से हम इसको तोड़ लेते हैं। एंड मेरे पास जो है इधर के साइड से थोड़ा सा और डर्ट लेके ना हम जो है इस एरिया को थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, ताकि इसमें हमारी सीड्स जो है वो काफ़ी सारी आ जाए। बट मेरे पास कितनी है वो भी नहीं पता, मेरे को शायद 9-10 है, तो लेट्स सी कितने सीड्स है वो सारे आई होप कि इस एरिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने सब कुछ जो ऑलमोस्ट तोड़ लिया है, शाम भी हो गई है तुम देख सकते हो भाई, नाइट हो गई है भाई, तो फटाफट से जब हम इसको तोड़ते हैं, अरे लगाते हैं HOE का यूज़ करके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डर्ट लगा लेते हैं भाई, ओक लॉग लेके घूम रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर डर्ट लगाते हैं। ओके, यहाँ पर डर्ट्स भाई कहाँ जा रही है डर्ट, अरे बाप रे नीचे लग रही है मेरे ख्याल से, हाँ। ओके, अरे अरे यार एक तो डर्ट ऐसी वेस्ट हो रही है, चलो अच्छा कोई ना भाई, नीचे के साइड भी लग लग के ना डर्ट वेस्ट हो रही है, चलो खैर कोई ना, मेरे को लगाने नहीं आ रहे, इनफैक्ट ये बोल सकता हूँ मैं सीधा। एंड यहाँ पर जो है मेरे को ओके चलो बढ़िया, मैंने ना काफ़ी सारे डर्ट लगा दिए, यहाँ पे HOE नहीं है, वाह भाई। ओके, तो ऊपर के साइड चलते हैं HOE लेने में फटाफट से, यहाँ पे एक टॉर्चेस लगा दूँ ताकि मेरे को लोकेशन याद रहे, वैसे तो घर के मतलब स्पॉन पॉइंट के सामने ही है, बट कोई ना। यहाँ पर यार एक स्वॉर्ड लेते हैं, हाथ में ज़ॉम्बीज दिख गए तो दिक्कत हो सकता है, तो चलो फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं एंड अपने चेस्ट से HOE लेते हैं। ओके, ये रहा मेरा चेस्ट, यहाँ पर हम लेते हैं HOE एंड फटाफट से जो नीचे के साइड चलते हैं, मतलब नीचे के साइड मतलब यहाँ, अरे बाप रे कितना डैमेज खाऊंगा मैं, तो चलो फटाफट से स्टोन HOE से हम यहाँ पे ये थोड़े से ज़मीन को जो है मतलब खेत वाला कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे हम सीड्स को लगा पाए फटाफट से। एंड ये ज़मीन सूख क्यों रही है मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं, अरे भाई कितनी सूख रही है ज़मीन। ओके, ज़मीन को गीला होने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा हम सीड लगाते हैं, 8 ही सीड है मेरे पास, मुझे लगा काफ़ी सारे हो गए होंगे, खैर कोई ना, 8 सीड्स ही लगा देते हैं फिलहाल, कुछ तो ब्रेड बनी जाएगी एटलीस्ट, 2-3 तो बनी जाएगी अभी के लिए। खैर चलते ऊपर की साइड एंड अब जाते हैं हम सोने, क्योंकि रात हो रही है एंड तुम समझ सकते हो मॉन्स्टर आ सकते किसी भी वक्त। एंड यहाँ पर मेरा सीड मस्त ग्रो रहा है, नीचे भाई वो भाला वाला है जो भाला लेके खड़ा रहता है, त्रिशूल टाइप का। ओके, यहाँ पे सो जाते हैं फटाफट से एंड ओके, अरे अरे भाई मॉन्स्टर साइड में लॉन्ड, इसको मारते फटाफट से, अरे मर जा रे बंदे, डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, गुड, मॉन्स्टर हंटर का भी हमें अचीवमेंट मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। मॉन्स्टर है के आसपास, अभी भी मैं नहीं सो पा रहा हूँ, किधर है मॉन्स्टर, भाई इधर, अच्छा नीचे है शायद, नीचे मॉन्स्टर है। ओके, ये रहा, इसको मैं एक हिट कर दिया भाई, मारना मत भाई बस,
ओके एक हिट देते हैं, ओके ऊपर भाग जाते हैं फटाफट से एंड अब सोने की ट्राई करते हैं। ओके तो हम फाइनली यहाँ पर सो चुके हैं एंड हमारे एक डे कंप्लीट हो चुका है।